We are tired of this world when propaganda takes over ratings. Propaganda becomes very important, especially in the election season. But my first question to my panelists is not about propaganda or ratings. I want to know from them, any one of you, could you please tell us, how did you react to the news of what happened 2 days ago in Kashmir? वो जो भी खबर आई परसों बहुत ही शॉकिंग थी, क्योंकि हम न्यूज़ में काम करते करते कई बार संवेदनाएँ हमारी मर जाती है, ऐसा कहते हैं हम लोग, क्योंकि हम इस तरह से जान पा के देखते रहते हैं। लेकिन ये खबर जब आई तो यकीन नहीं हुआ कैसा हो सकता है, क्योंकि हमें इतनी कोशिश करना था रखते हैं, इतनी सिक्योरिटी रखते हैं। लेकिन ये घटना हो गई, उसके बाद में मीडिया ने उसको फिर से कवर भी किया है, उसका डिस्कशन भी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया ने तो अपना काम करना है, लोगों को बताना है कि देश में क्या हुआ है, देश की भावनाएं क्या है, वो बताने का काम किया। जो घटना कश्मीर में घटी, मेरे ख्याल से वो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। अभी भी जब मैं इस पैनल डिस्कशन के लिए आ रहा था, तब भी सड़कों पर लोग निकले हुए थे, हाथों में तिरंगा था, और मुझे 5 या 7 मिनट वहाँ पर ज़्यादा देर लगी, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। सवाल ये है कि आप तटस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन आपका दिल आपको तटस्थ नहीं रहने देता, आपको ये कहता है कि आपको भी इस खबर के साथ इन्वॉल्व होना है। लेकिन एक एडिटर के तौर पर एक ठीक खबर देना, एक सही खबर देना, उसके तमाम कॉन्स्पेक्टिव को समझाना और प्रोपोगंडा में न पड़ना, मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण है। एज एडिटर मैं आपको कहना चाहूँगा कि परसों के दिन, डे बिफोर यस्टरडे, जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमारे न्यूज रूम में बड़ा हीटेड डिस्कशन हुआ कि कश्मीर के लोगों को हमको इस पैनल के अंदर जगह देनी चाहिए या नहीं। और मुझे जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि भारत के ज़्यादातर टेलीविजन चैनल ने कश्मीर के लोगों को उस दिन जगह नहीं दी, क्योंकि हमको ऐसा लगा, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के लोगों को उस दिन जगह नहीं दी, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि वो जो बात करेंगे वो प्रोपोगंडा की होगी कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा करवा दिया। क्योंकि हमें उनकी टोन हमेशा देखती है पाकिस्तान वालों की, कि जब भी कुछ हिंदुस्तान के अंदर होता है और पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है, तो पहली बात यही शुरुआत करते हैं कि आपने ही ऐसा करवा दिया होगा, आपके चलते ही ऐसा हुआ है, आपका काम है कि आप पाकिस्तान को बार बार ब्लेम करते हैं, आपके पास कोई ऐसी स्टिक है जिससे आप बार बार बीट करना शुरू कर देते हैं और वो स्टिक जो है सीधे पाकिस्तान को लगती है। तो उस दिन ये तय हुआ कि किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जगह नहीं दी जाएगी, और जिन लोगों ने ये गलतियां की थी उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया, और किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट या पाकिस्तानी व्यक्ति को जगह नहीं दी गई, क्योंकि हमको ये लगता था कि ये हमारा खुद का हमला है। और चूंकि इतनी बड़ी शहादत हुई है और इतना बड़ा हमला आतंकी फोर्सेस पर हुआ है, तो हमको प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना है, हमको अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखनी है। और वह जी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक जर्नलिस्ट के लिए अगर कुछ कोई भी चीज़ मैटर करती है, वो दिखता है, बिकता है, लिखता है, ये चीज़ें तो करती ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कोई मैटर करती है तो वो है उसकी क्रेडिबिलिटी। और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी खोली तो मुझे लगता है सब कुछ खुल गया। इसीलिए समय समय पर, मिनट मिनट पर आपको उसी तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कैसे आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बचा सकते हैं। शुक्रिया दीपक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्रेडिबिलिटी एक जर्नलिस्ट की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। मगर अक्सर देखा गया है कि ऐसे एटमोस्फियर में सबसे पहले झूठ सामने आ सच्चाई में पीछे छूट जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं वो कहने के लिए जो उन्हें नहीं कहना चाहते। हमारे ऑर्डरलिस्ट हैं, आप भी बोलना चाहेंगे इसके बारे में जी। और अगर आप मुझे ये सवाल पूछे रहते हैं तो मैं इसी बात पर आ रहा था। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जहाँ पर देश सबसे पहले, और ऐसे में ये बोल रही है कि खबर सबसे पहले मैं बताऊँ या सबसे पहले मैं दिखाऊँ। और इस बार जब कश्मीर पर यह हमला हुआ, आतंकवादियों का जो ये हमला था हमारी सेना के जवानों पर,
हमने एक निर्णय लिया तुरंत किया। एज ए एडिटर मैंने ये कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है ये बताने की जवान 14 मरे हैं, 20 मरे हैं, 25 मरे हैं, 44 मरे हैं। आप आराम से खबरों की पुष्टि हो जाने दीजिए, कोई जल्दी मत कीजिए, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कुछ चैनल पे कुछ खबरें ऐसी भी चली थी एक नहीं दो हमले में कुछ और हो रहा है, उस समय हमें पैनिक नहीं करना। अगर जितनी खबर है उससे कम भी दिखा देंगे तो हम कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, आज नहीं तो कुछ समय बाद आपको सब चीज़ें सामने आएंगी। तो एज एन एडिटर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस खबर को कितना कम करके दिखाना है और कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। जहाँ देश का हित है, जहाँ पर लगता है कि इस खबर को दिखाने से अगर उतनी की उतनी दिखाने से भी देश का नुकसान होता है, तो हमें सबसे पहले वो प्रोपेगेंडा रखना है जो देश के लिए सही है। कम दिखाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुष्टि कर कर सोच समझ कर उस खबर को पक्का करके दिखाएंगे। ये हमने कुछ दिन को लिया था, चाहे हम थोड़ा पीछे रहें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत दिखाने के बजाय इस तरह के सेंसिटिव मामले जो हमारे सम्मान के साथ जुड़े हैं, हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हों, देश के साथ जुड़े हों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। आप ऐसे सहमत हैं? जहाँ तक परसों के हमले का सवाल है, ये जो हमला हुआ इसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स का टाइम बहुत कम है। इससे पहले हमने एक बड़ा हमला देखा था 26/11 का, हमें समय लगा था समझने में ये क्या हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है, हमें 12 घंटे लगे 14 घंटे लगे समझने में कि ये कोई बड़ी त्रासदी है। लेकिन जो यहाँ का मामला है कश्मीर में जो हुआ है, ये अचानक कुछ हुआ और सीधे खबरें आने लगी कि 2500 अपने सैनिक हैं CRPF के जवान हैं जिन पर अटैक हुआ, तो हमारे पास रिस्पॉन्स का टाइम बहुत कम था। तो ये एक असली परीक्षा होती है संवाद की, ये असली परीक्षा होती है न्यूज़ रूम कि ऐसे में आप कैसे रिएक्ट करें। अब इसी चीज़ में कुछ संपादकों ने इसको इस तरह से लिया कि वो हमले के तह तक जाने से पहले भी वो एक पर्टिकुलर पार्टी के किसी नेता की तस्वीर उन्होंने चैनल पर अपने लगा दी और उस पर कमेंट करने लगे और उसका तब तक बयान भी नहीं आया, लेकिन हमने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया पहले मिनट से। हमने ये बात बाद में बताई कि वो जैश ए मोहम्मद का हमला था या पाकिस्तान का उसमें हाथ था उसका, पहले हमने इंटरनली अपने पॉलिटिकल जो रिस्पॉन्स थे वो सभी करना शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों में हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, पहले हम घटना के बारे में समझें उसे दिखाएं, क्योंकि फिर हम वही बात कहते हैं। अभी तक तो हम कंटेंट और टीआरपी की बात करते थे, अब उसमें एक प्रोपेगेंडा शब्द उठ गया, तो हमें इस प्रोपेगेंडा को से जितना हम बच सकें हमें उसको बचने की कोशिश करनी चाहिए मेरी राय से। एक और बात मैंने देखी है, जब ऐसा कुछ होता है तो भारत में कुछ एक तंत्र है जो ऐसे मौके का फायदा है। कई लोग हैं जो घाटी में कश्मीर घाटी में जो लोग हैं उनका साथ है, अक्सर वो टीवी पे देखे जा रहे हैं, बट पिछले 2 दिन में वो लोग नहीं देखे जा रहे हैं। आप उनका नाम जरूर ले रहे हैं मगर वो टीवी पे आ नहीं रहे हैं, या आप लोग सोच समझ के कर रहे हैं या अपने आप कर रहे हैं? देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तरफ तो आप एक अनबायस कोई इवेंट या रिपोर्टिंग करना चाहते हैं जहाँ पर आप सब करके पर्सपेक्टिव लाना चाहते हैं। जब हम कोई न्यूज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो पर्सपेक्टिव आना जरूरी है, सही है या गलत, जिसको सही लगेगा जिसको गलत लगेगा वो समझेगा। एक गलती हम एक बार एज ए जर्नलिस्ट करते हैं, हमें ये लगता है कि पब्लिक को समझ में नहीं आता। निस्संदेह जो हमारे दर्शक लोग हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं उनका जजमेंट सामूहिक रूप से उनके पास है। अब इसमें दो बातें होती है कि एक ये कि आप पर्सपेक्टिव लाने के लिए अनबायस लिखने के लिए आप सब तरह के व्यूज लेकर आए और हर तरह के लोगों को आप मौका दें बात करने का, लेकिन जैसा दीपक जी ने कहा मैं उस बात से 100% सहमत हूँ। क्या इस तरह की घटनाओं पर हमें एक अनबायस अलग तरह के सब तरह के पर्सपेक्टिव लाने की जरूरत है? जी नहीं, बहुत साफ है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है सिर्फ जर्नलिज्म का, और ये मुद्दा ऐसा है जहाँ साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि देश के साथ क्या हुआ है, वहाँ पर क्या जरूरत है कि कोई पाकिस्तानी या कोई देश के खिलाफ बोलने वाला आदमी आकर बात करे। तो इस मामले में हम बहुत क्लियर थे और बहुत क्लियर हैं कि अनबायस डिबेट होनी चाहिए, व्यूज सारे आने चाहिए, लेकिन जहाँ देश है वो सबसे ऊपर है, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम किसी को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं तो इस मामले में
आमतौर पर मीडिया इंडस्ट्री जो एक मंच पर थी, एक तरह की एक साथ थी, वो एकदम से मैं जो टीवी में काम नहीं कर पा हूँ फिलहाल पिछले 4 महीनों से, तो इसलिए इन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया वो मेरा काम डिजिटल गोल पर है। लेकिन बीच में एक बात कही थी, और चूंकि पिछले बार प्रोपेगेंडा भी है, तो पिछले 4-5 सालों से जो मीडिया में परिवर्तन आया, जो कि आज के आपके विषय में भी है, कि किसी नेता ने जो बयान नहीं दिया हम उसको टारगेट करने लगते हैं, तो मीडिया ने हमें ये सीखा है कि स्पीकिंग पावर को देखो, ये मीडिया का काम है। लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि हम स्पीकिंग ग्रुप को जो ऑपरेशन का काम कर रहे हैं, जो स्पीकिंग ग्रुप जो लोग जिम्मेदार हैं सरकार चलाने के लिए, हम उनसे सवाल नहीं पूछते हैं, हम ऑपोजिशन से सवाल पूछते हैं कि हमलावरों की वजह से होगा। तो जहाँ प्रोपेगेंडा की बात की आपने, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है मीडिया में, और इस सबने सब लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार है उसको ना पूछते, किसी और को आपने उस घटना का जिम्मेदार ठहरा दिया। तो ये यही लोग जब ऑपोजिशन में है, ये जब सरकार में होते हैं, तब फिर हम उनसे भी सवाल नहीं पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को आइडियोलॉजी बदलती है। तो मुझे लगता है कि जो आज का आपका विषय है प्रोपेगेंडा, तो ये एक मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, इसको चिंता करनी चाहिए। एक और बात बातचीत करने के लिए है, सम चैनल्स हैव डेलिबरेटली टेकन अ प्रो गवर्नमेंट व्यू एंड इट्स ऑफन सीन दैट दे डू नॉट लाइक क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर व्हिचएवर गवर्नमेंट एंड देयर अदर्स हु ऑब्वियसली टेक अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन एंड दे सफर फॉर इट। डू यू हैव एनी व्यूज ऑन दैट? देखिए, अनिल ने एक बात अभी कही थी कि आप पब्लिक को म्यूट ना समझें, आप चैनल खोलते हैं और जब आप चैनल देखते हैं तो आप एक मिनट का पता लगा लेते हैं कि ये किस बात का प्रोपेगेंडा कर रहा है। हम पब्लिक के बीच जब जाते हैं या लोगों से जब मिलते हैं तो हमको बताया जाता है कि हाँ एक्स चैनल है वो तो प्रो गवर्नमेंट है, वो प्रो बीजेपी है या प्रो कांग्रेस है या प्रो पाकिस्तान है। तो मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, दोस्तों के चैट्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू इतना ज़्यादा है कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि आपके प्रोपेगेंडा को वो समझ नहीं पाएगा या आपके प्रोपेगेंडा के हिसाब से वो काम करने लगेगा तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, आप इस खामखयाली में रह सकते हैं, आप एक ख्याली गुलाब पका सकते हैं कि मैंने ये लाइन ली है इसलिए फलाना जीत गया, एक गवर्नमेंट जीत गई, वाई गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, अपोजिशन को नुकसान हुआ या किसी और को नुकसान हुआ, आप इस बात की गलत फहमी में रह सकते हैं। लेकिन आप अपने सामने बैठे दर्शक को मत समझिए, उस दर्शक को सब कुछ पता है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि कब आप खबर दे रहे हैं, कब आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और दर्शक को आप ये कहने लगा है एक्स चैनल साहब वो तो फलानी पार्टी का, वाई चैनल साहब वो तो फलानी पार्टी का है। तो मुझे लगता है कि जनता खुद बहुत अच्छी तरह जानती है, दर्शक खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डिमार्केशन की लाइन कहाँ है और वो उस चैनल के बारे में क्या है। जैसे दीपक बोले, ये माइक अपने पास, ये हम जितने भी पत्रकार हैं सरकार हैं, इन सब की परीक्षा की घड़ी है, हमें इससे निकलना होगा। दूसरी चीज जो दीपक बोल रहे हैं कि ये इस पार्टी का चैनल है या उस पार्टी की आइडियोलॉजी को बढ़ाता है, ऐसा नहीं कि पत्रकारिता में अलग अलग विचारधाराओं को आगे नहीं बढ़ाया, हमेशा से ऐसा होगा। जब अखबार लिखते थे तो राइट विंग को कोई प्रमोट करता था, कोई लेफ्ट विंग को प्रमोट करता था, जब राइट विंग और लेफ्ट विंग को प्रमोट करता था तब मामला आइडियोलॉजी का होता था। जैसे हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करें, उस समय पर एक पक्ष था जो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के खिलाफ, एक था जो उसकी फेवर में, लेकिन ये बात बहुत कम आती थी कि वो आइडियोलॉजी जो थी वो पार्टी के लेवल पर या पर्टिकुलर नेता के लेवल पर है। आइडियोलॉजी हम डिफरेंट हो सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है कि वो कौन सी आइडियोलॉजी पर बात करें क्यों ना, और हर पत्रकार को अधिकार है, हमारे वहाँ संसार की स्वतंत्रता है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, सबको अधिकार है। लेकिन आप अपनी जो आइडियोलॉजिकल आपकी जो विचारधारा है उसको आप एक पार्टी एक व्यक्ति की तरफ मत ले जाइए, आप जो बड़ा प्रोस्पेक्टिव है उस पर जाइए, जो बड़ी बातें हैं उस पर जाइए। आप अगर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पक्ष या विरोध कर रहे थे तो उस समय आप एक बड़ी चीज़ को लेकर चल रहे थे, एक पॉलिसी इशू में आप बात कर रहे थे, उस पर चर्चा हो रही थी और चर्चा होना स्वाभाविक थी। लेकिन सामाजिक समरसता में तो कोई लेफ्ट राइट नहीं है,
देश की सुरक्षा होने के लिए कोई लेफ्ट राइट नहीं, इन चीजों पर क्यों आप इन चीजों को बांटते हो? ये बिल्कुल एक गलत धारा में हम चल रहे हैं। सबको प्रश्न है, एक सवाल मेरे जहन में है, आजकल एक नई यूनिवर्सिटी आ गई है हम सबके फोन पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फलाने ग्रुप है, बहुत सारी खबरें फॉरवर्ड की जाती है, हम बहुत लोग उसको सच्चाई समझने लगे हैं। तो न्यूज रूम के एडिटर्स होने के नाते आप लोग इससे कैसे जुड़ते हैं? देखिए, जैसे मैं बिजनेस चैनल चलाता हूँ तो आमतौर पर मुझे ये समस्याएं कम झेलनी पड़ती है जो दीपक जी को और आप सबको झेलनी पड़ती है। लेकिन हाँ, हमारे इसमें ये एक समस्या है और वो समस्या है कि चलिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई खराब खबर, गलत खबर चली और लोग उसे सही मान लें तो आपकी संवेदनाएँ, आपकी भावनाएँ उसके साथ जुड़ी होती है। लेकिन किसी बिजनेस के व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर इस तरह की खबरें चली उसकी वजह से कोई स्टॉक 10-20-25% ऊपर नीचे हो गया तो लोगों से पैसे लगते हैं, पैसे भी होते हैं। तो भावना और पैसों का जब मामला होता है तो लोग अपने पैसे के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कोई खबर चलाएं तो बहुत सोच समझ कर चलाएं, क्योंकि हर खबर के साथ प्राइस जुड़ी होती है, इम्पैक्ट होता है और उसकी वजह से जो स्टॉक के दाम ऊपर नीचे होते हैं उससे लोगों पर फर्क पड़ता है। मैं सिंपल चीज़, जब हम इस तरह की खबर करते हैं रेटिंग और प्रोपेगेंडा की बात आती है तो हम तीन चीज़ें समझते हैं कि भाई अल्टीमेटली एक एडिटर के तौर पर मुझे ये पहचानना है कि मेरे चैनल और मेरे व्यूअर्स के बीच का रिश्ता क्या है। क्या मैं एक शॉपकीपर हूँ और वो मेरा कस्टमर है? क्या मैं एक बड़ा लर्नेड सा आदमी, बड़ा ज्ञान है मेरे पास में, वो मेरे पास ज्ञान लेने आ रहा है? या हम दोनों दोस्त हैं? वो रिश्ता मुझे डिफाइन करना है और वो रिश्ता डिफाइन होता है मेरे कॉन्टेंट से। अगर मेरा कॉन्टेंट सही है तो मेरा व्यूअर मेरे पास आएगा। कुछ भी हो, ये रिलेशनशिप आपकी गिव एंड टेक की है। आप कुछ अपने व्यूअर को देते हो, व्यूअर आपको उसके बदले में कुछ देता है। आप दे रहे हैं उसे जो चाहिए और उसके बदले में वो आपको रेडीनेस दे रहा है। तो पर्सपेक्टिव आपका वहाँ से क्लियर होता है, प्रोपेगेंडा आपका वहाँ से क्लियर होता है कि आप व्यूअर को क्या दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये कि हम एक हमारे चैनल को या हमारे कंटेंट को एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें जो मेरे व्यूअर को चाहिए। उस प्रोडक्ट को बनाने के प्रोसेस में मेरे पास दो बाय प्रोडक्ट निकलेंगे, एक होगा रेटिंग्स और दूसरा होगा रेवेन्यू। अगर मेरा फोकस रेटिंग्स और रेवेन्यू दो बाय प्रोडक्ट पर है तो मैं कहीं कहीं डेविएट कर जाऊँगा, इधर उधर हो जाऊँगा, जो मुझे करना है वो नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं एक अच्छे प्रोडक्ट बनाने पर फोकस हूँ तो मेरे बाय प्रोडक्ट आ जाएंगे, मुझे चिंता की बात नहीं। उसके लिए सबसे जरूरी है कि मुझे अपनी रिलेशनशिप मेरे व्यूअर के साथ डिफाइन करनी है। फॉर्चुनेटली मेरे लिए बड़ा आराम का काम है क्योंकि मेरा व्यूअर बिजनेस चैनल इसलिए देखने नहीं आता कि यहाँ एंटरटेनमेंट मिल रहा है या उसे यहाँ बहुत बेसिक न्यूज मिल रही है जो जनरल न्यूज मिलते, या उसका पर्पज सिंपल है कि उसे या तो पैसा बनाना है, पैसा बचाना है, या उसको पैसे से पैसा बनाने में मदद चाहिए। मेरा काम आपके मुकाबले में बड़ा आसान। मैं दीप की बात पर से इतना कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि किसी ने आइडियोलॉजिकल नहीं ले रखी हो सकता है कि उसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कुछ अलग हो, लेकिन आज के जर्नलिज्म की हम बात करें तो थोड़ा फिर फरुखाबादी हो गया है। आप आदमी को देखते हैं, उसका चेहरा पढ़ते हैं और उसके बाद ये समझ लेते हैं कि अगला सेंटेंस उसके मुझे क्या लिखेगा। मुझे लगता है कि हम पत्रकार को इससे भी बचना चाहिए। हालांकि मैं किसी को राय देना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एक हकीकत है और इस हकीकत को हम चाहे तो भी चेंज नहीं कर सकते। आइडियलिज्म से हम कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं और इंडिविजुअलिज्म तक जा चुके हैं। Very bright audience, I'll open the floor in a second for some questions. But I have one question which I want answers for from all of you. Which was your proudest moment in your career as a newsman? Each one of you. Look at me. So, as a brand owner of the question, what was your proudest moment? My proudest moment वो होते हैं, कई बार होते हैं जैसे एकदम वैसे जब जब मैं कुछ ऐसी बात करता हूँ कि उससे कम से कम एक आध हिंदुस्तानी का फायदा तो हो किसी से जो मैं बात कर रहा हूँ, और किसी एक जो नई सोच है, एक नया आइडिया है, कम से कम दो चार लोग उसको समझ को उस पर बात करें, उस पर चर्चा करें,
मेरे लिए पत्रकारिता में हर दिन प्राउड मोमेंट हो सकता है और हर दिन एक खराब मोमेंट। गुंजी वैसे तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मेरे जर्नलिज्म करियर में मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट जो है वो क्या था जो अब तक किया है कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ रिसेंटली एक हफ्ते पहले एक मोमेंट ऐसा जरूर आया जिसपे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा गर्व कर सकता हूँ या ये कह सकता हूँ कि हाँ ये काम करने का सेटिस्फेक्शन मिला, वो आज का बजट था। और बजट के दिन क्योंकि हमने जिसपे मैं सुबह 8 बजे से 4 बजे तक लगातार इंटरव्यू कर रहा था बिना किसी बायोलॉजिकल ब्रेक के लिए। पॉइंट ये है कि आमतौर पर हम बिजनेस जर्नल्स ये महसूस करते हैं कि देखिए इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, इकोनॉमी, मार्केट्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप आम जो दर्शक हैं बड़े बेवकूफ़ से हैं, आपके समझ में नहीं आएंगे। हम ये कोशिश करते हैं ताकि लोग हैं ना वो ये समझते रहे कि मुझे इसी को देखना पड़ेगा, यही मुझे समझा पाएगा। हमने उसे बदलने की कोशिश की, हमने कोशिश की कि बिजनेस अगर मैं आपको कहूँ कि आज मोहन जी आपके पोर्टफोलियो के लिए हम निवेश की रणनीति बनाएंगे, आपको लगेगा आज मुझे बहुत बड़ा काम करना है मेरे लिए। और मैं आपको अगर ये कहूँगी आज हम आपको बताएंगे पैसा कैसे लगाना है, तो आपको लगेगा बहुत छोटा सा आसान सा काम करना है। तो हमने कोशिश ये की इस बार बजट पर कि लोगों को ये समझाया जाए कि बजट बड़ी चीज़ नहीं है, देश की सबसे बड़ी इवेंट हो सकती है इकोनॉमी के लिहाज से, लेकिन उतनी बड़ी नहीं कि आप ना समझ पाए। आपको हम आपकी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे और इसका रिजल्ट भी हमें जो दिखा है, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मोमेंट याद रखने लायक है कि पिछले साल के मुकाबले में बजट के दिन हमारी व्यूअरशिप 6 गुना बढ़ी है, 6 टाइम। तो इसलिए लगता है कि हाँ अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक ऐसा आदमी जो कोई रांची पटना जाने कोटा में बैठा है और जिसे कोई समझाने वाला, बताने वाला, सिखाने वाला नहीं है, उसके जगह में अगर हम हेल्पिंग हैंड बन सकें, उससे समझा सकें कि नहीं हाँ कोई है जो तेरे पैसों का ख्याल रखने वाला है, तुझे समझाएगा, तो वो हमारे लिए बड़ा चीज़ है। मेरे ख्याल से मुझे भी ये लगता है कि ऐसा मोमेंट लाइफ में आना बाकी है जिसको मैं ये कह सकूँ कि ये मेरा पीक मोमेंट था। लेकिन सुनामी का एक किस्सा मुझे याद आता है, जब 2004-5 में सुनामी हुई थी, 2004-5 शुरू हो रहा था उसको, तब एक 6 साल की बच्ची को अंडमान निकोबार में एक आइलैंड से हमने बताया था, उसका चाचा बहुत बुरी तरह हो रहा था, उसके लिए हमने कैंपेन चलाया था अंडमान को बचाना है। 6 साल की बच्ची थी, बाद में वहाँ के जो गवर्नर थे प्रोफेसर राम आपसे उसको स्पेशली लेकर आए थे और हमारी वो कैंपेन सफल रही थी। उसके बाद मोहन जी मैं बच्चे से मिला था, मात्र 6 साल की थी, माता पिता और भाई तीनों को खो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कैमरे के सामने बोलना चाहते थे। और जो एक लाइव स्टेट मूवी थी हिंदी में बोली, उसने कहा था हिम्मत न था। मुझे ये लगता है कि वो सीख मुझे आज भी याद है। और जब आप अपने जर्नलिज्म के थ्रू किसी की वाकई मदद करते हैं तो वो मूवमेंट एक प्राउड मूवमेंट लगता है कि हाँ शायद हम जो करते हैं या जो हम जो कहते हैं या हम जो हम लोगों को दिखाते हैं उसका एक सार्थक परिणाम हमारे सामने आता है। मेरा भी जवाब बहुत ही यही होगा जो बाकी दो साथियों ने दिया, कि मुझे लगता है कि अभी भी हाँ कुछ करना बाकी जरूरी है। सिर्फ मुझे मैं नहीं कहूँगा इस बात पर मुझे गर्व है, मैं कहूँगा इस बात पर मुझे सुकून दर्द है कि इस इंडस्ट्री में जहाँ काम करते हैं मैं उस पर कालकोठी की तरफ कहता हूँ, लेकिन यहाँ आप बाहर बिना रात के निकल जाइए या ठीक से रहने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अब तक इस जगह पर जो ठीक लगा वो किया, ये मुझे लगता है इस समय बड़ा सोचते हैं कि वॉट यू लाइक यू शुड डू दैट। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये पूरी इंडियन टेलीविजन मीडिया के लिए प्राउड मोमेंट जो मेरे ख्याल से था वो तब था अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या का जजमेंट मिल गया, तो जिस संयम से पूरे मीडिया ने उस समय रिपोर्टन की, जिस संयम बरता, जिस तरह से एक एक चीज़ को बड़ी आराम से चीज़ों को ले गए, उसने कोई ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं की जिससे कोई समाज में एक्टिविटी फैली, कोई गवर्नेंस फैली, ये पूरे जो इंडियन मीडिया खासकर हिंदी चैनल होते हैं उनकी एक प्राउड मूवमेंट है और ऐसी मूवमेंट और आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी हिसाब से ऑडियंस से इंतजार करेंगे कोई सवाल अगर हम पूछना चाहें। कर्नल प्रोफेसर आपके नाते
And after having seen both the sides, media as well as the armed forces, I was a fighting soldier for 25 years in the tanks. I've seen 65, I've seen 71. Fortunately, that time the media was not as powerful. And in 97, I joined the IRC and then for the last 14 years of time, I've seen a sea change in media reporting. And today, what kind of reporting that's particularly after Pulwama, as I feel, being a soldier and a media as a person myself, that we are hiding by choice of our words, maybe by use of the language, and also the media's specificity of war is failing. It's not that simple, and it is very unfortunate that today, maybe due to TRPs or whatever, when you are covering certain stories by certain people who are totally untrained in the art of warfare. They get certain comments, and the result is people on the street take out flags and make all kinds of insinuations. This is what probably I even tweeted just now, that the media must be a little careful about as to how to report a war or a terrorist incident like Pulwama yesterday, and what all to cover. There are certain times when you can indulge in political matters, but please, media's request is, my request is, that do not politicize military matters. I started forces of the armed forces in 97 to train senior officers, which is still going on in IRC. We have trained ourselves in handling the media, unfortunately, maybe because of money considerations, extraneous considerations, TRPs. Media needs to train us in certain military matters. Thank you, sir. If I get it right, he's very concerned about the way incidents of military and army are portrayed in the media. Do you want to take that off? आज सुबह जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में फोन आया एक मेरे फ्रेंड है एयरफोर्स में है एयरफोर्स में है तो उन्होंने मैंने ऐसे ही पूछा मैंने कहा क्या हो रहा है किस तरह की चीज़ें हो तो उन्होंने हमने क्या कर रहा है सब तो मीडिया कर रहा है वॉर तो वही लड़ रहा है वही बता रहा है कि हमें कैसे पाकिस्तान में अटैक करना है वही हमें बता रहा है कि कैसे हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है वही हमें बता रहा है कि हमको लाहौर जाना है या इस्लामाबाद जाना है तो अगर सब कुछ तुम ही करते तो हम लोग क्या करें तो बात जैसा कहा जा रहा है कि दो तरह की चीज़ें एक तो मिलिट्री को पॉलिटिसाइज करना और दूसरा लेकिन इसमें सिर्फ मीडिया दोषी नहीं है इसमें हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी दोषी है अगर कोई मिलिट्री को पॉलिटिकल गेंस के लिए यूज कर रहा है तो वो भी एक समस्या है मीडिया को उसको दिखाएगा ही अगर पॉलिटिकल गेंस के लिए उसको यूज किया जा रहा है या किया गया था पास्ट को तो उसको तो मीडिया दिखाएगा ही तो इसमें दोनों का ही है कि मीडिया को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए ये बिल्कुल आप सही करो हमेशा जो बोले जितना ये सही बात है कि संयम हमें दिखाना चाहिए और ये कोई खिलौना खेलनी है कि हमने लड़ाई लड़ ली है कर दिया वैसे जितना ही आज मैं सुबह एक कार्टून देखा रास्ते में आते हुए उस कार्टून में ये था कि कोई बच्चा छुप रहा है माँ उसको उठा रही है कि फेसबुक पर तुम्हारी भाभी देख कर आग लगा रही को भर्ती करना है वो बच्चा छुप रहा है किसी दवा से पूछे तो ये जो चीज़ें हम करते हैं चाहे सोशल मीडिया पर कुछ कह रहे हैं या चाहे टी वी पर कह रहे हैं तो हम उसकी एक लड़ाई लड़ना हमने किस तरह लड़ाई लड़ी है और वो बात अलग होती है और कहना अलग होता है मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि कई बार वॉर मेमोरिंग होती है मैं ये भी मानता हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि हम अभी जाकर युद्ध लड़ लें कई तरह के इस तरह से इमोशंस आते हैं कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि मुंबई अटैक से लेकर आज तक भारत का मीडिया बहुत हद तक मैच्योर हो चुका है मुंबई अटैक मुझे याद है मैं उस वक्त मुंबई के अंदर था उस अटैक को कवर करते हुए वहाँ से जो जो रिपोर्ट हुआ है जो जो गलतियाँ हुई है किसी ने बोला कि CSC में एक बार फिर हमला हो गया किसी ने ये चला दिया कि किस तरह से लोग किस तरह से कमांडो जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं किसी ने उनकी लाइफ के दौरान
होगा, कई तरह के कमिटमेंट दिए गए। सबसे पहला कमिटमेंट ये कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उससे जुड़े किसी भी दृश्य का लाइव प्रसारण नहीं होगा। उसके ऊपर लिखा जाएगा फाइल फुटेज, उसके ऊपर बताया जाएगा कि लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है। किसी भी हद तक ऐसी बातें नहीं होंगी जिससे समाज में किसी तरह का वैमनस्य बढ़े, किसी भी हद तक ऐसी बातें नहीं होंगी जिससे आर्म फोर्सेस या जो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर किसी तरह का सवाल आए। तो मैं एक हद तक आपके सवाल से एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरे हद तक आपसे डिसएग्री भी करता हूँ कि मीडिया ने अपने लिए भी कई बेंचमार्क तय किए हैं, मीडिया ने अपने लिए भी कई लक्ष्मण रेखाएं तय की हैं, और मैं आपको ऐसी कई लक्ष्मण रेखाएं बता सकता हूँ। जैसे संदीप ने कहा कि बड़ा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए वो जब हमने अयोध्या पर जो अलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था उसको अंडरस्टैंड किया था और उसके लिए संयम रखा था। मेरे लिए मोहन जी सबसे बड़े संयम की बात ये थी कि हमने ऐश्वर्या राय बच्चन की डिलीवरी को लाइव प्रसारित नहीं किया, क्योंकि बाकायदा एडिटर जो है उन लोगों ने बैठे थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि हमको इस तरह के इंसिडेंट्स को अब टीवी से दूर रखना होगा, वरना अभिषेक बच्चन की शादी टेलीविजन पर कैसे हुई उस बात को हम सबको जानते हैं। और उसी लिए बड़े कॉशन के साथ एक कॉल दिया गया था कि हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मुझे लगता है कि हम मेच्योरिटी का लेवल बढ़ा है। 1995 में हमारा पहला न्यूज बुलेटिन आया था, उसके बाद 1996-97 में हमारा 24 घंटे का चैनल आया, और आज मैं आपको कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से बाली हो चुका है। हाँ, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि अगर सिस्टम है और कोई पूरा सिस्टम चल रहा है तो उसके पॉजिटिव भी होंगे, उसके नेगेटिव भी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इस चीज़ से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पिछले 22 साल से मीडिया एजुकेशन लिए हुए हैं और हम पढ़ा भी रहे हैं सब कुछ। मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा हद तक इसमें डिफेंस सपोर्टिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब ऑन दैट। बट जब कोई हादसा हो जाता है, कारगिल के बाद एक्सपीरियंस नहीं था मीडिया को बिल्कुल भी, सर्जिंग स्ट्राइक पहले भी हो गई थी, पोलिटिसाइज इतना ज़्यादा हुआ, और रिटायर होने के बाद जब हुडा ने भी ये लिखा अखबार में, डिफेंस कॉन्फ्लिक्ट चंडीगढ़ में हुआ था, मैं वहाँ पर था। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि जब कोई इवेंट होता है, जैसे पुलवामा हुआ है, उसके फौरन बाद गेम व्यूअरशिप एंड आई बॉल्स एकदम जो हाइप कर देते हैं, उसको प्लीज सोच समझ के थोड़ा ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्सेज अगर हो, ताकि पीपल हु आर लिटिल अनएजुकेटेड साउंड देम द डीप इंटीरियर ग्राउंड के कैटेगरी एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द वीडियोस। To follow the guidelines of your ministry so that there is no provocative, you know, broadcasting telecasting. So whether Indian media news channels are they strictly in a letter and spirit following this guideline? One. My second question to Milind Khandekar sir. Milind Khandekar sir, aapne newspaper, our radio, television, uske baad mein social media, aur aapki news app. So what's next to that? This is my question to you. बहुत छुट्टी में आपको बात बताऊंगा कि फाइनल रिलीजेस की गाइडलाइन आती है, आर्मी की भी गाइडलाइन आती है। गाइडलाइन में उसको नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि उनकी सलाह आती है, और 90-95% केसेस में उनकी सलाह को माना जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दीपक ने बात कही है 2008 के हमले के बाद में हमने ही ये गाइडलाइन समझे मिलकर बनाई थी कि हम क्या करेंगे, और मोटे तौर पर वो गाइडलाइन फॉलो होती है। आपने मुझसे जो सवाल पूछा है कि आगे क्या होगा, तो मैं ये कहता हूँ, जो कहते हैं कि भाई जहाँ रही वहाँ कभी, तो जहाँ खबर होगी वहाँ पत्रकार को होना चाहिए। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर खबर होगी, चाहे वो व्हाट्सएप हो या चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, तो हमें पता नहीं है कि अगला आउटपुट हमने एक जमाने में पता नहीं कि आउटपुट एक सोशल खबर खत्म हो गया तो फेसबुक आज है या कोई भी होगा, लेकिन पत्रकार को हमेशा इस बात पर तैयार रहना चाहिए कि जो भी इमरजिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम अपनी खबर देने के लिए मौजूद है। खबर नहीं बदलेगी, सिर्फ उसका प्लेटफॉर्म बदलेगा, और ये आज कहना मुश्किल है कि अगला प्लेटफॉर्म क्या है। थैंक यू वेरी मच।
I've just been told by the organizers to wind up this very interesting session. The speakers will still be around. You can ask them direct questions after.